दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैथ ट्रिक्स में। और अपने आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है? एक ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो। यानी जैसे उदाहरण दिया है 1, 3, 5, 7, दो क्रमागत पदों का अंतर कर लीजिए, 3 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा? 2। 5 में से 3 घटाएंगे तब भी 2 बचेगा। 7 में से 5 घटाएंगे तब भी 2 बचेगा। यानी क्रमागत पदों का, दो क्रमागत पदों का जो अंतर है प्रत्येक बार समान है, तो ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, पदों का अंतर डी हो, तब उस श्रेणी का अगर आपको एनवा पद, एन की जगह कुछ भी कहा जा सकता है, मान लिया 20वां पद याद करना है तो एन की जगह 20 रख देंगे, एनवा पद टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या इसको टी एन के अलावा एल से भी प्रदर्शित कर सकते हैं जहां एल श्रेणी का अंतिम पद यानी लास्ट टर्म है। और अगर किसी श्रेणी का प्रथम पद ए और पदों का अंतर डी हो तो उस श्रेणी के पदों का योगफल एन पदों का योगफल होता है एन बटे दो इंटू ए प्लस एल, जहां ए प्रथम पद, एल अंतिम पद और एन पदों की संख्या है जितने पदों का योग करना, या एल ना दिया हो, पदों की संख्या दी हो, प्रथम पद और पदों का अंतर पता है तो पदों के योगफल के लिए ये भी सूत्र लगा सकते हैं एन बटे दो दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे एक श्रेणी दी है आपको 3, 5, 7 एंड सोनी का 6वां पद याद कीजिए, एनवां पद यहाँ एन ए, देखिए प्रथम पद कितना है, श्रेणी का प्रथम पद 3 है और पदों का अंतर 5 में से 3 घटाएंगे तो भी 2 बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो भी 2 बचेगा, एन का मान कितना कहा है, कितनेवां पद पूछा उसने, 6वां पद कहा तो एन की जगह 6 रख देंगे। और टी एन का जो सूत्र होता है एनवां पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की जगह 6 रखेंगे टी सिक्स यानी छठा टर्म, सिक्स्थ टर्म छठा पद, ए कितना दिया है 3 प्लस 3 माइनस एन की जगह क्या रखेंगे 6, 6 माइनस 1 गुणा और पदों का अंतर डी 2 दिया है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से ए 3 दिया है प्रथम पद और डी दिया है 2 और एन कहा है उसने 6वां पद, तो रख लीजिए 3 प्लस 6 में से 1 घटाएंगे 5 बचेगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 और 3 13, इस श्रेणी का जो 6वां पद आएगा वो 13 आ जाएगा। इसी तरह कोई और श्रेणी दी है 4, 7, 10 एंड सोन 148, इस श्रेणी में पदों की संख्या बताइए कितनी है, पदों की संख्या आपको यहाँ ज्ञात करनी है, तो देखिए प्रथम पद ए श्रेणी, ये भी एक समांतर श्रेणी है, 7 में से 4 घटाएंगे तो भी 3 बचेगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो भी 3 बचेगा और पदों का अंतर अगर समान है तो ऐसी श्रेणी एक समांतर श्रेणी कहलाती है। प्रथम पद उसका 4 दिया है, पदों का जो प्रथम पद 4 दिया है और पदों का जो अंतर है डी, 7 में से 4 घटाएंगे वो 3 बचा है और ये अंतिम पद दिया है L 148। TN का जो सूत्र होता है L का भी वही सूत्र होता है L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी और यहाँ पदों की संख्या यानी N आपको ज्ञात करनी है। मान रख लीजिए अंतिम पद कितना है 148, प्रथम पद कितना है 4 प्लस N आपको ज्ञात करना है और D का मान दिया है 3, तो 4 इधर आके ये घट जाएगा, 148 में से 4 घटाएंगे 144 बचेगा एन माइनस वन गुणा 3 और ये 3 एन माइनस एक के गुणा में है तो बराबर से इधर भाग में आएगा और 3 से इसको भाग करेंगे 3 चौक 12 बच गए 2 24 3 8 24, 48 बार भाग आ जाएगा 3 से इसको। अब एक उधर माइनस का है तो इधर आगे प्लस का हो जाएगा, 48 में एक जोड़ देंगे 49 हो जाएगा, यानी इस श्रेणी में पदों की जो संख्या है वो 49 है। एक और क्वेश्चन यहाँ आपको दिया है श्रेणी 12, 16, 20, 24 एंड सोन 20 पदों तक योगफल इनका ज्ञात करना है, बीच में इनके प्लस चिन्ह दिया है, तो देखिए 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24 यानी 4-4 का अंतर है श्रेणी में, तो किस प्रकार की श्रेणी होगी, एक समांतर श्रेणी होगी। पहला पद यहाँ समांतर श्रेणी का कितना है ए बराबर 12, प्रथम पद हो गया 12 और पदों का अंतर डी, कितना है पदों में अंतर इनके 4 है और कितने पदों का योग करना है 20 पदों का योगफल, n पदों का योगफल वाला ये सूत्र दोनों लगेंगे, n पदों का योगफल, n की जगह यहाँ कहा है प्रश्न में 20, 20 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है, तो Sn के लिए आपके पास फॉर्मूला है n बटे दो दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगर आपको ए और डी पता है एन पता है तो ये सूत्र लगाएंगे, यदि प्रथम पद और अंतिम पद पता होता तो ये वाला सूत्र लगाते हैं। यहाँ देखिए एन का मान कितना दिया है 20, तो 20 बटे 2 और 2 गुणा ए का मान कितना है 12 2 ए प्लस एन माइनस वन यानी 20 माइनस 1 गुणा डी कितना है 4, 4-4 का अंतर है पदों में, तो 20 को 2 से भाग करेंगे 10 इंटू 12 दूनी 24 प्लस 20 में से घटाएंगे 19 और 19 चौका 76
ये हो जाएगा देखिए कितना 10 गुणा 76 और 24 को जोड़ेंगे 100 हो जाएगा और 100 दाई 1000, इस श्रेणी का योगफल आ जाएगा 1000। एक और श्रेणी आपको दी है 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 जमा 100 जमा 75, इसका योगफल ज्ञात करना। इससे पिछले प्रश्न में कहा था 20 पदों का योगफल, लेकिन यहाँ 75 अंतिम पद दिया है इसका, श्रेणी 5 7 9 11 75, इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करना। तो जब अंतिम पद पता हो तो a प्लस एल इंटू एन अपॉन टू, एन की भी जरूरत पड़ेगी पदों की संख्या। और पदों की संख्या कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो पदों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले टी एन वाला सूत्र लगाएंगे, टी एन भी कह सकते हैं इसको या एल भी कह सकते हैं। पहले एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इससे एन निकालेंगे पहले। एल कितना है अंतिम पद 75, प्रथम पद ए कितना है 5, एन हमें ज्ञात करना है। और पदों का जो अंतर है 5 और 2 7 2 9 2 11, दो दो का अंतर है। अब 75 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 70 एन माइनस 1 गुणा 2। अब दो भाग में अगर आ जाए इसके एन माइनस 1 की गुणा में इधर भाग में आएगा तो यहाँ बचेगा 35, ये होगा एन माइनस 1, एक इधर आगे जुड़ जाएगा तो एन का मान क्या आ जाएगा 36, यानी इस श्रेणी में पदों की संख्या जो है वो 36 है। अब इसका योगफल ज्ञात करना है, सूत्र लगेगा एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल, ये वाला सूत्र एन पदों के योगफल का। तो एस कितने पदों का योग करना है, एन की जगह 36, अब 36 पद हैं श्रेणी में हमें पता लगा, तो 36 पदों का योगफल हो जाएगा 36 बटे 2 इंटू ए प्लस एल, ए तो है 5 और एल अंतिम पद है 75, ए प्लस एल। अब 36 को 2 से भाग करेंगे 18 आ जाएगा और 75 और 5 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। अब 18 8 144 हो जाएगा, 10 ये लग जाएगी, 1440 इस श्रेणी का योगफल हो जाएगा। इसी तरह का एक और प्रश्न यहाँ दिया है हमें कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल, गुणज का मतलब 3 का 1 गुणा 3 होगा, 3 का 2 गुणा 6 होगा, 3 का 3 गुणा 9 होगा और 3 का 4 गुणा 12 होगा, ये गुणज है। और प्रश्न में क्या कहा है इनका प्रथम 10 गुणज होगा, 10वां गुणज क्या होगा 10 3 30 हो जाएगा। इनका प्रश्न में कहा है कि योगफल करना है आपको, या तो अंतिम पद इसमें दिया है ये ले लीजिए, या एन का मान प्रश्न में कहा है कि 10 गुणज लिए गए हैं तो 10 गुणजों का योगफल हो जाएगा, ये वाला सूत्र लग जाएगा एस 10 एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल। और एन का मान कितना कहा है, प्रथम 10 गुणजों का योग लेना है 10 बटे 2 ए प्लस एल 3 प्लस 30, तो ये क्या हो जाएगा 2 से भाग करेंगे 10 को 5 बार भागा जाएगा, 30 और 3 33 हो जाएगा और 33 की 5 में गुणा कर देंगे, 5 3 15 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16 165, ये आ जाएगा 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल। समांतर श्रेणी का एक और प्रश्न यहाँ योगफल के लिए दिया है, 200 व 300 के बीच की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा है कि 200 और 300 के बीच की सम संख्याओं का योगफल, तो 200 और 300 नहीं लेना, इनके बीच की लेना है, यानी 202 204 206 एंड सो ऑन, कितने तक 300, और 300 के बीच की यानी 298, 200 और 300 के बीच की सम संख्याएं, सम संख्याएं होती है जो 2 से विभाजित होती हैं, 202 204 206 एंड सो ऑन 298 तक हो जाएंगी। अब देखिए योगफल तो ये सूत्र लगा सकते हैं आप, n बटे 2 a प्लस l, a पता है l पता है, लेकिन पहले n ज्ञात करना पड़ेगा और n के लिए ये सूत्र लगाना पड़ेगा l वाला, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद दिया है 298, प्रथम पद दिया है 202 प्लस एन हमें ज्ञात करना है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, और डी पदों का जो अंतर है वो 2 दिया है। अब देखिए 298 में से 202 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 96 बराबर एन माइनस 1 गुणा 2, अब 2 एन माइनस 1 के गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, 96 को 2 से भाग करेंगे तो 48 आ जाएगा एन माइनस 1 का मान, एक इधर आगे जुड़ जाएगा तो एन बराबर आ जाएगा 49, पदों की संख्या इस श्रेणी में 49 दी है। अब योगफल ज्ञात करना है, इसका सूत्र होता है n बटे 2 इंटू ए प्लस एल, और n का माना है 49, यानी 49 बटे 2 इंटू ए प्लस एल, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यानी 202 प्लस 298, ये हो जाएगा 49 बटे 2 गुणा 298 में 202 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 500,
और फिर 2 से इसको भाग करेंगे 49 गुना 2 से भाग करेंगे इसको 250 बार भाग आ जाएगा, और फिर इसकी गुणा कर लेंगे 1 0 ये ऐसा ही रहेगा, 25 से गुणा करेंगे 49 में 25 निम्मा 225 हासिल लगेंगे 22 और 25 चौका 100 और 22 हो जाएगा 122 यानी 12250 ये इस श्रेणी का योगफल आ जाएगा। दोस्तों हमारा ये समांतर श्रेणी वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ हमारे चैनल मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।